नमस्कार जेमिनाई, जेमिनाई यानी मिथुन राशि, मैं सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी तैरू से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सन साइन मून साइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए जेमिनाई देख लेते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं राइट नाउ, फिर आपके देखेंगे और अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन एक्शन क्या लेंगे और गाइडेंस देखेंगे। तो आइए सबसे पहले आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं जेमिनाई। टेम्परेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ट्स। तो जेमिनाई, जो आपके पर्सन हैं वो फील कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि इस रिश्ते में जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं बन पा रही है, जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, तो अगर गुस्से को छोड़ते हुए दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, प्यार से प्रेम से पेश आते हैं, तो यूनिवर्स भी इस रिश्ते को ब्लेस करेंगे। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं और प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में वो बैलेंस लाने की कोशिश करने के बारे में सोच रहे हैं, वो क्योंकि वो इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं उसको एक्सेप्ट करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो इस रिश्ते में बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी और ये रिश्ता जो है एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बनेगा, यानी कि खुशहाली आएगी। और सिर्फ जो इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है या ऑन एंड ऑफ जो रिश्ता हो रहा है जिसमें कमिटमेंट वगैरह नहीं किया जा रहा, तो उसके लिए प्रिपेयर होकर रेडी और तैयार होकर एक दूसरे से कमिटमेंट वगैरह अगर करेंगे तो ये रिश्ता एक दूसरे के लिए स्टेबल हो सकता है, खुशहाली की तरफ बढ़ सकता है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें वो उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करेंगे, करना चाहते हैं। देखते हैं आप क्या सोचते हैं। जेमिनाई, आप क्या सोच रहे हैं। फाइव ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनाई, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि वो इस रिश्ते को लेकर इतना रिग्रेट ना हो, अपने आप को परेशानी में ना डाले, अपने आप को अकेला महसूस ना करे, रिग्रेट ना हो। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे तो अभी भी उन्हें प्यार मिल सकता है, मदद मिल सकती है और वो चाहते हैं कि वो इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस को ख़त्म करते हुए उन्हें उनसे मदद मांगनी चाहिए, उनसे मदद लेनी चाहिए और पुराने बातों को बुलाते हुए जो भी इस रिश्ते में प्रॉब्लम रही है उनको ख़त्म करते हुए अगर एक नए सिरे से जो ये इमैच्योर एनर्जी है या फिर एक नई एनर्जी है अगर शुरू से शुरू करते हैं इस रिश्ते को, एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, एक नए जोश के साथ, एक नई नई सोच के साथ, एक नई तरंग उमंग के साथ, एक नए हौसले के साथ बुलंद होकर, यानी कि परेशानियों को छोड़ते हुए एक दूसरे के साथ, उनके साथ घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, इंजॉय पार्टीज़ में जाना या पिक्चर्स वगैरह देखना, गेट टुगेदर करना, उनके साथ डेट्स पर जाना, खाना खाना, पार्टी वगैरह करना, तो अगर वो करते हैं तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से एक नया मोड ले सकता है, यानी कि फिर से ये रिश्ता शुरू किया जा सकता है। तो ऐसा आप महसूस कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि इस लड़ाई झगड़े से एंजाइटी को जो भी कॉन्फ्लिक्ट वाद विवाद रहा है इस रिश्ते में उसको ख़त्म करते हुए अगर एक दूसरे से मदद ली जाती है और फिर से इस रिश्ते को नए सिरे से, हालांकि चाहे भले ही ये रिश्ता आपका महीने दिनों या सालों से बना हुआ है लेकिन उस सोच के साथ कि आप एक दूसरे को जानते ही नहीं हैं, दोबारा से इस रिश्ते को शुरू कर रहे हैं तो ये रिश्ता फिर से एक शुरुआत हो सकती है और धीरे धीरे करके ये रिश्ता खुशहाली में तब्दील हो सकता है।
देखते हैं अगले 72 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, जेमिनाई आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। तो जेमिनाई, कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में नादानी करें, बचपना करें, एक बिगनिंग एक शुरुआत करें और बिना सोचे समझे जंप लगाएं, क्योंकि इस रिश्ते में अभी बैलेंस नहीं है, एक वल्गी वेंटेक ऑफ एनर्जी नहीं है, हालांकि दोनों तरफ से प्यार और प्रेम है। तो मैं कुछ केसेस में महसूस कर रहे हैं कि अगर ये इक्वल की वेंटेक ऑफ एनर्जी आ जाती है, बैलेंस बन जाता है, दोनों प्यार से प्रेम से इस रिश्ते को एक दूसरे को समझते हैं, तो दोनों तरफ से इस रिश्ते में अट्रैक्शन आकर्षण है, प्यार प्रेम है, और हो सकता है कि जो आपके पर्सन वो महसूस करते हैं कि जो जो भी काम करते हैं उनके पार्टनर वो काफ़ी खूबसूरती से करते हैं, मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी खुश रहते हैं, तो इसलिए वो हो सकता है एक्वेरियस वो जेमिनाई आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए। जब तक वो रिस्क नहीं लेंगे इस रिश्ते में, ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ेगा और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तो इस रिश्ते में वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। कुछ केसेस में बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे और कुछ केसेस में सोच विचार करके अपना बचपना नादानी छोड़कर एक दूसरे से बातें करते हुए प्यार से प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और ये रिश्ता धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। अगले 72 आवर्स में हो सकता है कि थोड़ा सा मन बन जाए बातें करने का, या फिर धीरे धीरे करके ये सिक्स ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि 6 दिन से हो सकता है 6 सप्ताह के अंदर धीरे धीरे करके आपकी धीरे धीरे आपकी बातें बननी शुरू हो जाए और रिश्ता आगे बढ़ जाए। तो वो यही इसमें एक्शन चाहते हैं कि इस रिश्ते में बैलेंस आना चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए और सोच विचार करके इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत होनी चाहिए। जल्दबाजी में आया हुआ लिया हुआ फैसला में सब दुविधा देता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइड भी प्लीज जेमिनाई के लिए क्या गाइडेंस रहेगी। द हाई प्रिस्टेस जस्टिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स ही गाइड करना चाह रहे हैं कि इस आप चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, समझदारी के साथ इसमें काम लें। कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य जो भी आप जानते हैं वो अभी अपने तक सीमित रखें, अभी उसका उसका किसी के सामने जिक्र ना करें जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता। और इस रिश्ते में रुक कर ठहर कर सोच विचार करके अगर आप एक बिगनिंग एक शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे करके इस रिश्ते में और एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं, तो इस ये रिश्ता न्यायप्रिय हो सकता है, जस्टिस आ सकता है, खुशहाली इस रिश्ते में आ सकती है। तो कोई एक जना या तो जेमिनाई या तो जेमिनाई के पर्सन हो सकता है कि उन्हें न्याय बहुत प्रिय है, तो इसलिए वो न्याय करने इसमें एक दूसरे से माफ़ी मांगने के लिए आ रहे हैं और इस रिश्ते को धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है आपका न्यायप्रिय बन सकता है, जस्टिस मिल सकता है, अगर इसमें सोच विचार करके आप बिगनिंग और शुरुआत करेंगे और सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट इंतज़ार करेंगे कि जब तक सही समय सही वक्त नहीं आ जाता तब तक आपको जो भी राज मिस्ट्री हैं अपने तक सीमित रखना चाहिए, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे हेल्प मिलती है, खुश मन खुश होता है। तो फिर तब तक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।